हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि रंजन आपको अपने चैनल इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग DOL स्टार्टर के कंट्रोल सर्किट पर बात करेंगे। चलिए आपको DOL स्टार्टर का आपको कंट्रोल सर्किट अभी ड्रॉ करके बताता हूं, जो कि लोकल और रिमोट दोनों से मैं आपको बताऊँगा। देखिए, हम लेते हैं इसमें पहले एक फेज और दूसरा लेते हैं हमारा न्यूट्रल। फेज और जो न्यूट्रल है हमारा, इसमें 220 वोल्ट एसी लिया है मैंने, 220 वोल्ट एसी। फेज जो रहेगा पूरे सर्किट में, हम इसको रोटेट कराएंगे, और न्यूट्रल कॉमन रहेगा, जो मैं आपको बाद में न्यूट्रल कॉमन कनेक्ट करके बताऊंगा। चलिए हम ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट मैंने लिया है MCB। आप सिंगल पोल और डबल पोल दोनों ले सकते हैं। टू पोल का, टू पोल में हमारा फेज न्यूट्रल दोनों आ जाएगा, और सिंगल पोल में हम बस फेज के लिए यूज कर सकते हैं और न्यूट्रल कॉमन कर देंगे। और चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा आएगा OLR का, ओवरलोड रिले का NC नॉर्मल क्लोज। इसके सीरीज में ही आएगा हमारा स्टॉप पुश बटन। फिर नेक्स्ट इसके सीरीज में ही हमारा आएगा स्टार्ट, लेकिन हम मुझे यहाँ पे ये शो करना है कि ये हमारा जो सर्किट है लोकल और रिमोट से दोनों से स्टार्ट और स्टॉप होना चाहिए। तो मैं ये तो स्टॉप हो जाएगा, जस्ट इसके सीरीज में हमको एक और स्टॉप देना पड़ेगा जो कि रिमोट से स्टॉप होगा। तो इसका स्टॉप इधर में देना पड़ेगा, रिमोट स्टॉप। ये हमारा लोकल स्टॉप हो गया और ये रिमोट स्टॉप। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसको स्टार्ट जो है वो कैसे करेंगे। दो पॉइंट ले लिया हमने, एक लोकल और एक रिमोट। लोकल में हम देखेंगे, लोकल में स्टार्ट के लिए हमारा स्टार्ट, और दूसरा स्टार्ट हमने लिया रिमोट। ये हमारा दोनों कॉमन रहेगा, और दोनों के लिए लैचिंग चाहिए। लैचिंग जो हमारा मेन कॉन्टेक्टर, देखिए मैं अभी मेन कॉन्टेक्टर, जो हमारा मेन कॉन्टेक्टर है DOL का, इसमें सिंगल कॉन्टेक्टर है जिसको मैं K से डिनोट करता हूँ। ये हो गया यहाँ तक। इसके बाद ये मेन कॉन्टेक्टर का जो लैचिंग देंगे हमको, स्टार्ट के पैरेलल में रहता है लैचिंग। तो हमने एक ये पॉइंट यहाँ से उठा लिया, ये हो गया K1 कॉन्टेक्टर का NO पॉइंट। अब न्यूट्रल चाहिए हमको, तो मैं आपको न्यूट्रल, ये तो फेस कनेक्ट हो गया, हमने देखा ये जो है ये फेस कनेक्ट हो गया, अभी ये न्यूट्रल कनेक्ट कर रहा हूँ जो कि कॉमन हो जाएगा। इसको हम एक कॉमन सर्किट ड्रॉ कर देते हैं। ये जो ग्रीन से आ गया, ये हमारा कॉमन न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल पॉइंट हो गया। अब मैं इसमें स्टार्ट और स्टॉप का इंडिकेशन आपको दिखाता हूँ, स्टार्ट स्टॉप इंडिकेशन कैसे लेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं स्टार्ट, रेड से मैं ले लेता हूँ, स्टॉप ग्रीन से, और ट्रिप इंडिकेशन ले लेता हूँ मैं येलो कलर से।
तो देखते हैं, हमारा इधर न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं। न्यूट्रल न्यूट्रल मैंने कनेक्ट कर दिया, अब इसको हम फेस से कनेक्ट करेंगे। ये कनेक्ट हो गए। तो रेड इंडिकेशन ऑन कमांड है जो हमारा ऑन ऑफ ट्रिप। ऑन कब होगा? जब हमारा K1 कॉन्टेक्टर पिकअप होगा तो हमारा ऑन इंडिकेशन आना चाहिए। तो मैं यहाँ इसके लिए हम NO लेंगे, K कॉन्टेक्टर का NO। स्टॉप कब होगा? जब K1 कॉन्टेक्टर डी होल्ड हो जाएगा। तो इसके लिए हम इसको NC लेंगे, इसका K का NC। ट्रिप कब होगा? जो OLR का ओवरलोड रिले जब ऑपरेट होगा तो हम इसको यहाँ पे इसका NO पॉइंट लेंगे, जो कि ट्रिप होने के बाद NO NC में कन्वर्ट हो जाएगा। OLR का NO, ये मैंने आपको ड्यूअल स्टार्ट डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का लोकल रिमोट के साथ ये कंट्रोल सर्किट ड्रॉ करके बताया है। अब ये ऑपरेट कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही हम लोग इस MCB को ऑन करेंगे, MCB ऑन किया, MCB ऑन होती है हमारी सप्लाई, ये जो सप्लाई है यहाँ पे हमारा फेस, यहाँ से होते हुए ये ऑलरेडी OLR NC है, स्टॉप भी NC है, ये भी रिमोट स्टॉप भी NC है, हमारा सप्लाई यहाँ तक आ जाएगा। अब हमको चूज़ करना है लोकल में, मतलब लोकल हमारा फील्ड पैनल से या रिमोट किसी दूसरे जगह से या DCS से कहीं से भी कर सकते हैं। तो अगर हमने लोकल सेलेक्टर फिट जो हमने यूज किया वो लोकल पे डाल दिया तो हम ये कटआउट हो जाएगा और लोकल लाइन में आ जाएगा। और जैसे हम लोकल से स्टार्ट पुश बटन पुश करेंगे तो ये कॉन्टेक्टर पिकअप होगा और इसका हमने लैचिंग के लिए NO कॉन्टेक्ट लिया हुआ है। तो जैसे हम पुश करेंगे पिकअप होगा और ये इसका लैचिंग लाइन में आ जाएगा और ये रिलीज़ कर देंगे, हमारा पूरा सर्किट इधर इसके थ्रू इसको पिकअप करके रखेगा। और हमारा कॉन्टेक्ट जैसे ये पिकअप होने के बाद K1 कॉन्टेक्टर पिकअप होगा तो इसका कॉन्टेक्ट चेंज हो जाएगा, NO है वो NC में कन्वर्ट हो जाएगा और ये सर्किट क्लोज हो जाएगी और ऑन इंडिकेशन आ जाएगा हमारा, ये रोड हो जाएगा, मतलब ऑन इंडिकेशन आ गया। नेक्स्ट हम रिमोट में डालेंगे, अगर हमने इसको रिमोट में डाल दिया तो ये सर्किट क्लोज हो जाएगा और हमारा जो पावर है इधर से जाएगा। जैसे ही हम इसको रिमोट का स्टार्ट को प्रेस करेंगे, इसको तो ये NC करेंगे तो ये K1 कॉन्टेक्टर पिकअप हो जाएगा और इसका होल्डिंग जो लिया हुआ है फिर ये NC में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम प्रोसेस वही है, इसका ऑन इंडिकेशन ऑफ इंडिकेशन। और ट्रिप कब होगा? जब हमारा ओवरलोड रिले जो है, ओवरलोड रिले है, इससे एक्सेस करंट हमारा रेटेड करंट से ज़्यादा जाएगा, जो हम सेटिंग किए रहेंगे OLR में उससे ज़्यादा जाएगा तो ये हमारा OLR रिले ट्रिप करेगा और कॉन्टेक्ट चेंज करेगा। तो हमारा जैसे ही कॉन्टेक्ट चेंज करेगा NA2 NC और NC2 NO, तो हमारा ये जो NC है नॉर्मल क्लोज इसको NO में कन्वर्ट कर देगा, ये सर्किट ओपन हो जाएगी, यहाँ से पूरा सर्किट ऑफ हो जाएगा। लेकिन ये सर्किट जो है हमारी जो NO है वो NC में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सर्किट क्लोज करेगा और यह हमारा जो ट्रिप का इंडिकेशन है वो ग्लो करेगा हमको, जिससे पता चलेगा कि हमारा सर्किट ट्रिप हो गया है। ये इतना ही हमको इसमें देखना है। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये सर्किट समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।